इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बाय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से न्यूक्लियस की रेडियस का मेजरमेंट। क्या हमारे पास में और तरीके हैं न्यूक्लियस की रेडियस मेजर करने के? हाँ बिल्कुल, हम न्यूट्रॉन स्कैटरिंग से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग से भी कर सकते हैं, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला से भी न्यूक्लियस की रेडियस का मेजरमेंट कर सकते हैं, या फिर हम रेडियो एक्टिविटी से भी, अल्फा पार्टिकल से भी, सभी से हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस का रेडियस का मेजरमेंट करेंगे। बट आज हम डिस्कस करेंगे अल्फा पार्टिकल से या फिर रदरफोर्ड की अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से न्यूक्लियस की रेडियस का मेजरमेंट। आइए देखते हैं क्या होती। ऐसा मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है जिसका चार्ज है जेड ई। ई चार्ज होता है, जेड होता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल है जिस पर चार्ज कितना होता है, 2e। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी ई मान लेते हैं। अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ पर जाता है हेड ऑन कोलिजन के लिए जाता है, तो ये क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, और एक डिस्टेंस पर जिसको हम बोल देंगे डी नोट डिस्टेंस पर, इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस भी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो दोनों के बीच में यानी कि अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स लगता है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और एक ऐसी डिस्टेंस आती है जिस पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाती है, इसी को हम कहते हैं क्लोदियर डिस्टेंस टू अप्रोच। यानी कि ये कम से कम डिस्टेंस होती है, अल्फा पार्टिकल इससे कम डिस्टेंस पर नहीं जा सकता, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की कुल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाती है, और उस सिचुएशन में अल्फा पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है। अब अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है, तो हम इसी को कहते हैं रेडियस या फिर इससे कम होगी। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो ये होती है के जेड ई इंटू 2e अपॉन डी नोट, और यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी ई है, इसको हमने ई से डिफाइन किया है, तो यहाँ आ जाएगा ई, या फिर इसको लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ से हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस डी नोट, तो डी नोट आ जाएगा ये के जेड ई इंटू 2e अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा ये ई, इसको इस साइड लेकर आ गए और इसको इस साइड, या फिर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये 2a वाला और 2a वाला कितना हो जाएगा, ये 4 के जेड ई स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये डी नोट है, ये अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है, सेकंड डिस्टेंस नहीं हो सकती, तो हम बोलते हैं जो रेडियस होगी न्यूक्लियस की वो लेस देन इक्वल होगी डी नोट के। यही एक एस्टिमेशन था, यही एक कैलकुलेशन था, एक बार रिपीट करूंगा, अल्फा पार्टिकल जब भी हेड ऑन कोलिजन के लिए न्यूक्लियस के पास जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है ड्यू टू कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आती है उस सिचुएशन में जो अल्फा पार्टिकल होता है वो रेस्ट में आ जाता है, और अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस होती है वो मिनिमम होती है, उससे कम डिस्टेंस नहीं हो सकती है। तो हमने अल्फा पार्टिकल के बेस पे ये एक्सप्लेन किया कि जो न्यूक्लियस की रेडियस होगी वो डी नोट की है तो इक्वल होगी या फिर कम होगी, इसी डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस की रेडियस कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस अगर बात करते हैं एटम के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा होता है, कितना छोटा, अगर एटम को क्रिकेट ग्राउंड मान लिया जाए तो जो न्यूक्लियस होगा वो बॉल के बराबर होगा, आप सोचिए, इसलिए यहाँ पर ये बहुत छोटी कैलकुलेशन हम कर रहे होते हैं। तो हमने क्या बोला, न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी वो लेस देन और इक्वल होगी डी नोट के, इस मिनिमम डिस्टेंस के, इसी को हमने बोला रेडियस। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में अदरवाइज से भी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, शुक्रिया।